मैं कवर करूंगा, वो शास्त्र में क्या दिया है वो कवर करूंगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि अभी वर्तमान में जो फुटबॉल सिखाया जाता है कॉलेज में, तो उसके साथ में मैपिंग किस तरह से होगा, तो उसमें मेरा रिसर्च उतना ज्यादा नहीं है, तो उस विषय में मैं शायद कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाऊंगा। शास्त्र में क्या बताया है इसका वर्णन में थोड़ा बता दूंगा। वर्तमान में क्या सिखाया जाता है वो हम सबको पता ही है। दोनों का मैपिंग किस तरह से करना जहां तक मुझे कुछ पता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ज्यादा वो रिसर्च का विषय है और उसमें अभी किसी तरह की एक सहमति जैसा नहीं। तो लोग अपना अपना रिसर्च करते हैं, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है कि ये इस तरह से मैपिंग होता है, ये उस तरह से मैपिंग होता है, ऐसे विविध ओपिनियंस है उसमें, तो कोई एक उसमें सहमति नहीं है और मेरा भी रिसर्च उतना ज्यादा नहीं है। इसमें जम्बूदीप संग्रहणी या तो लघु संग्रहणी ऐसा एक हमारे बालक कक्षा से जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये ग्रंथ है और रचयिता इनके हैं श्री हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब। तो ये जम्बूदीप संग्रहणी में भूगोल का विषय कवर किया गया है जिसमें जम्बूद्वीप बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। शास्त्र के हिसाब से हम लोग अभी जब मेजरमेंट करते हैं कोई भी, तो हम लोग सेंटीमीटर में, फुट में, मीटर या किलोमीटर ये सब समझ में आता है, या माइल में हमें समझ में आता है, लेकिन शास्त्र में जहां पर भी देखेंगे वहां पर या तो अंगुल में होगा या धनुष में होगा या हाथ में होगा या तो योजन में होगा। तो ये योजन वगैरह का शास्त्र में मैपिंग किस तरह से है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जैसे 30 सेंटीमीटर का 1 फुट बनता है और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है और ऐसे 1,000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है, उसी तरह 4 अंगुल बराबर एक मुट्ठी होती है। 4 अंगुल यानी किस तरह से एक दो तीन चार, ये 4 अंगुल हो गई और ये अंगुल की जो चौड़ाई है ये 1 अंगुल इतना, दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 अंगुल बराबर एक मुट्ठी, मुट्ठी यानी ये मुट्ठी हो गई बराबर। तो एक मुट्ठी या तो मुट्ठी बराबर 4 अंगुल, ये सबसे पहले कन्वर्जन फैक्टर दिया है, 4 अंगुल की एक मुट्ठी बनती है। वैसे यहाँ पर नहीं दिया है, हाँ दिया है 12 अंगुल का 1 बैल, 1 बैल यानी कितना 1 बैल, तो ऐसे ये 4 अंगुल, उसके बाद और 4 और 4। ये घर में आप एक्सरसाइज करके देखिए, कहीं पर दीवार पर ऐसा मार्किंग कर लीजिए और बाद में अंगुल से मेजरमेंट करेंगे तो आपके 12 अंगुल बराबर 1 बैल बनेगा। ऐसे दो बैल या तो 24 अंगुल बराबर 1 हाथ बनता है, 1 हाथ ये ऐसे पूरा नहीं लेना है, 1 हाथ कितना लेना है, तो यहाँ से ये टॉप से लेकर के ये कोटिंग तक, यहाँ तक 1 हाथ बनता है और इसको अगर मेजर करेंगे अपने हाथ से तो ऐसे 2 बैल का ये 1 हाथ बनेगा। तो ये अपने आप अपना मेजरमेंट आप रिसर्च, और ऐसे 4 हाथ बराबर 1 धनुष बनता है, तो 1 धनुष ऐसे 4 हाथ बराबर, तो नीचे जमीन से शुरू करके ऐसे 4 हाथ की हाइट करेंगे तो ऐसे इतना बड़ा धनुष बनेगा, 4 हाथ बराबर। और ऐसे 2,000 हाथ बराबर 1 गांव बनता है, ठीक है, 1 धनुष 4 हाथ बराबर कहा, तो ऐसे 2,000 जब धनुष करेंगे तो 1 गांव बन गया, तो 2,000 × 4 करेंगे तो 8,000 हाथ बराबर 1 धनुष बन जाएगा, सॉरी 8,000 हाथ धनुष, सॉरी 8,000 हाथ बराबर 1 गांव बन जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 गांव बराबर 1 योजन बनता है, योजन हम लोग बार बार सुनते हैं, सही, 1 लाख योजन बराबर ये इस प्रमाण का जम्बूद्वीप का क्षेत्र है, तो ये योजन 4 गांव बराबर है। तो अभी इसको अंगुल से लेकर के योजन तक के सारे कन्वर्जन इसमें कवर हो गए। अभी ये सारा हमें उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है, हमें किलोमीटर माइल या मीटर में जाएंगे तो समझ में आएगा। तो उसका कन्वर्जन इस तरह से है, 2 गांव बराबर 2 माइल बराबर 1 गांव बनता है, ठीक है, और 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। यहाँ पर 1.6 राउंड ऑफ करके लिखा है, उसको और एग्जैक्ट और प्रिसीजन में इंटरेस्ट है किसी को तो 1.609334 इस तरह का फिगर आता है 1 माइल का। तो कितने किलोमीटर हो गए, तो ये यूज करके हम
एक यूजर बराबर कितने किलोमीटर हो गए ये कैलकुलेटर कर सकते हैं। तो इस तरह से चार गांव का एक योजन यानी एक योजन का 8 माइल हो गया, माइल में कन्वर्ट करेंगे तो, और 1 माइल का कितना किलोमीटर है ये हमें पता है, तो उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12.87 किलोमीटर आएगा। शास्त्र में 3 प्रकार के अंगुल दिए गए हैं, एक है आत्मांगुल, दूसरा है उच्छेद अंगुल और तीसरा है प्रमाण अंगुल। ऐसे 3 प्रकार के अलग अंगुल है और तीनों का अलग अलग उपयोग है। तो आत्मांगुल का क्या उपयोग है, वो जो काल में जैसे हमको पता है पहले आरा में मनुष्य की अवगाहना बहुत ज्यादा थी, अवगाहना यानी आयु, पहले आरे में अवगाहना बहुत ज्यादा थी, दूसरे आरे में उससे कम हुई, तीसरे में उससे कम हुई, चौथे में उससे कम हुई, उस तरह से अलग अलग काल में अलग अलग अवगाहना होती है। तो जो जो काल में जो अवगाहना है तो उतनी बड़ी हाइट होगी तो उनका अंगुल भी बड़ा होगा। तो जो काल में जो अंगुल का माप है वो हो गया आत्मांगुल, या तो स्वयं अपना अपना अंगुल, ये हो गया आत्मांगुल। ठीक है, ये आत्मांगुल का उपयोग कहाँ पर होगा, जब पहले के जमाने में जब कपड़ा खरीदने जाते थे तो 2 हाथ कपड़ा दे दो, अभी जब मीटर नहीं था तो 2 हाथ ऐसे मेजर करके देते थे, तो ये क्या हो गया, वो जमाने में जो जितना बड़ा हाथ था वो हिसाब से वो मेजरमेंट करके दे, घर बनाना हो, कुआ बनाना हो, कुछ भी ऐसा करना हो तो वो अपने हाथ से या धनुष से उस तरह का मेजरमेंट सिस्टम चल रहा था, या कहीं छोटा छोटा मेजरमेंट अंगुल में करते थे। तो इस तरह का ये मेजरमेंट सिस्टम आत्मांगुल का है, जो काल में जो अंगुल का माप है वो हिसाब से अपना अपना मेजरमेंट चलता। आप प्रश्न है किसी को, इनका प्रश्न है अलग अलग काल में अवगाहना अलग अलग होगी तो उनका अंगुल का माप अलग होगा। तो इसकी पहले की स्लाइड में मैंने जब कहा कि 4 अंगुल की एक मुट्ठी बनती है, ऐसे 12 अंगुल की एक बेंच बनेगी, 24 अंगुल का एक हाथ बनेगा। तो प्रश्न इनका ये है कि हर एक काल में ये कन्वर्जन सेम रहेगा या बदली होगा, ये प्रश्न है इनका। तो ये सेम रहेगा, ये स्टैंडर्ड है, ये सेम रहेगा। तो जो काल में जो साइज की अंगुल है उसी साइज की पेंच होगी, उसी साइज से उनका हाथ होगा और इसीलिए उतनी अवगाहना ज्यादा होगी। 12.8 इसके बाद में तो 3 प्रकार के अंगुल जब कवर करूंगा तो ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा इनका। तो 3 प्रकार के अंगुल, एक आत्मांगुल जो अपने अपने शरीर का अंगुल और वो मान अलग अलग काल में अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल यूज में आता है। अभी शास्त्रीय यूज कहाँ कहाँ होता है, तो उसमें 2 प्रकार के अंगुल है जो हमारे शास्त्र में उसका उपयोग होता है। एक है उच्छेद अंगुल, ये उच्छेद अंगुल का मान है महावीर स्वामी की जो अवगाहना थी उससे आधा, उतना माप लेंगे तो ये हो गया उच्छेद अंगुल, यानी ये हमारा आज का अंगुल है ऐसा नहीं समझना। महावीर स्वामी की जो काया थी उनका जो अंगुल का मान थोड़ी सा उस वक्त उससे आधा मान लेंगे तो उतना मान उच्छेद अंगुल बनता है। ठीक है, यानी 2 उच्छेद अंगुल बराबर महावीर स्वामी का 1 अंगुल। इसका उपयोग शास्त्र में कहाँ होता है, जीव विचार जिसने किया होगा उसमें एक द्वार है अवगाहना द्वार, जिसमें एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौथा इंद्रिय, पंच इंद्रिय, उसमें अलग अलग प्रकार के जीव उनकी अवगाहना कितनी कितनी होती है, जगन्य से कितनी होती है, उत्कृष्ट से कितनी होती है, ऐसे अलग अलग अवगाहना उसमें दी है। जहां जहां पर भी शास्त्र में जीव की अवगाहना की बात आएगी वहां पर उसे अंगुल की समझना है, उसे जो महावीर स्वामी के अंगुल से आधा मान है। और आगे जो मैंने बताया 1 माइल का 1.609344 किलोमीटर और उसको मल्टीप्लाई करके जो 12.87 का फिगर बताया मैंने, कि 12.88 यहाँ पर लिखा है वो एक्चुअली 12.87 बनता है, वो राउंडिंग ऑफ में अलग अलग मेथड यूज करते हैं इसलिए यहाँ 12.88 लिखा है। तो 12.87 भी कह सकते हैं, 12.88 भी कह सकते हैं,
ये जो माप आता है ये माप आता है उच्च धर्मगुण से। तो उच्च धर्मगुण प्रमाण से आपका जो प्रश्न था ना आगे आपका प्रश्न था वो यही था। तो ये उच्च धर्मगुण से जब करेंगे तो 12.87 किलोमीटर आएगा। अभी तीसरा जो है वो ऋषभ देव स्वामी कौन से आर्य में बने। ऋषभ देव स्वामी का जन्म तीसरे आर्य में शुरू में आर्य जब शुरू हुआ तब अवगाना कितनी थी। ऋषभ देव की बात करो देखिए पहले आर्य में कितनी अवगाना है। पहले आरे में 3 गांव, दूसरे आरे में 2 गांव, तीसरे आरे में 1 गांव की अवगाहना गई है। लेकिन रुद्रदेव परमात्मा के जो पांचवे धर्म भी है जो तीसरे आरे में हुए तो ऐसा क्यों है। तो ये जो अवगाहना गई है वो आरा जब शुरू होता है तब की अवगाहना है। जैसे जैसे काल बीतता है वैसे वो अवगाहना कम होती जाती। तो तीसरे आरा का अंत आते आते उसमें चौथे आरे जैसे भाव शुरू हो जाते हैं। चौथा आर्य में 500 धर्म है कृष्ण अवगाना। तो तीसरे आर्य के अंत काल में ऋषभदेव परमात्मा का जन्म हुआ जब 1 गांव से कम होते होते वो टाइम तक 500 धर्म की अवगाना हो गई। तो ऋषभदेव परमात्मा के अंगुल का जो माप था वो माप प्रमाण अंगुल है और उच्चेद अंगुल और प्रमाण अंगुल ये दोनों का कन्वर्जन फैक्टर है। 1 प्रमाण अंगुल बराबर 400 उच्चेद अंगुल। उच्चेद अंगुल से 400 गुना है प्रमाण अंगुल। प्रश्न है 500 धर्म की काया या अलग अलग तीर्थंकरों की अलग अलग जो काया का मान लिया है तो वो कौन से अंगुल में होगा। तो इसके पहले जब उच्चेद अंगुल कराया तब मैंने कहा था हर एक जीव कोई भी जीव हो एक इंद्रिय पे इंद्रिय देंद्रिय चौरिंद्रिय पंच इंद्रिय उसमें किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य चाहे तीर्थंकर चक्रवर्ती जो भी जीव आ गया उसकी अवगाहना की बात हुई तो उच्चेद अंगुल से ही समझना है। तो जो भी तीर्थंकर की अवगाहना दी है तृतीय मंडल में बोलते हैं वो सारी उससे अंकुल प्रमाण से है। मतलब उसी समय की गिनी आपने उस काल की भगवान महावीर से आधा अंगुल वो अंगुल लेकर के जितना धनुष बनता है वो गिनना है। उससे अंगुल से रुद्रदेव परमात्मा की 500 धनुष जो है वो उच्चेद अंगुल से 500 धनुष है प्रमाण अंगुल से नहीं। उनके अपने अंगुल से 500 धनुष नहीं है। हम जीव की अवगाहना के लिए जो यूज करते हैं उच्चेद अंगुल वही उच्चेद अंगुल से हर एक की काया का मान निकलता है। रुद्रदेव परमात्मा का भी उनकी काया का मान जो हम 500 धनुष बोलते हैं वो उच्चेद अंगुल से है तभी भी होगा। ठीक है। और तो प्रमाण अंगुल का उपयोग कहाँ करेंगे जहां जहां भी शाश्वत पदार्थ की बात आती है किसी भी शाश्वत पदार्थ की हाइट उनकी डेप्थ उनकी चौड़ाई उनकी लंबाई वगैरह उनका जो वर्णन आता है वो सारा प्रमाण अंगुल से होता है। तो शाश्वत पदार्थ यानी क्या। तो जम्बू द्वीप शाश्वत है 2.5 द्वीप पूरा शाश्वत है जितने भी द्वीप समुद्र वगैरह 1 लाख योजन 2 लाख योजन 43 लाख योजन असंख्य योजन ये सारा जो कुछ हम बोलते हैं ये सारा प्रमाण अंगुल से उसका मेजरमेंट होता है जो उच्चेद अंगुल से 400 गुना बड़ा है। तो उच्चेद अंगुल का कन्वर्जन हमने कर लिया 12.87 किलोमीटर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 से तो 5150 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 49 जैसा आता है लेकिन फिर हमको ऑड फिगर उतना बड़ा याद रखना मुश्किल होता है उसको राउंड अप कर दिया और 5150 मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसमें अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग माप सुनने को मिलेगा। कोई कहेंगे 4800 किलोमीटर कोई कहेंगे 5000 किलोमीटर कोई कहेंगे 5500 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है क्योंकि जैसे मैंने यहाँ राउंड अप किया 5150 था उसको मैंने 50 लिखा उसी तरह लोग अलग अलग लेवल पर राउंडिंग ऑफ करते हैं। जैसे 1 माइल बराबर 1.60934 होता है कोई
अगर आप 1.6 लेंगे तो थोड़ा सा इसे कम हो जाएगा, कोई 1.6 के बजाय 1.5 ले लेते हैं कि एक माइल का 1.5 किलोमीटर, तो अगर 1.5 लेंगे तो ये 4800 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ में हिंदी करने में इस तरह से थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पर मतांतर भी होते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। हमारे लिए मेनली इसमें समझने वाली बात है कि 5000 किलोमीटर जैसा कोई बहुत बड़ा फिगर है, 5000 हो या 5500 हो, उसके आसपास में कोई बहुत बड़ा फिगर बनता है। यहाँ तक ये क्लियर है? तो ये पूरा विषय जो 14 राजलोक का कुल खगोल, इसमें जहां जहां योजन की बात आती है आपको प्रमाण अंगुल भी समझना है। फिर विचार करेंगे तब जहां जहां पर धनुष वगैरह या सात हाथनी काया वगैरह जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो सारा उपसे अंगुल से ही समझना है, ठीक है। तो ये विषय में कहीं जीव की बात आती नहीं है, जीव की अवगणना वगैरह आता नहीं है, जो भी हम पर्वत की ऊंचाई वगैरह, मेरु पर्वत 1,00,000 ऊंचा है, तो ये सब जो भी स्टेटमेंट आएगा वो सारा प्रमाण अंगुल से ही आएगा, ये समझ रहे हैं। अब एक अंगुल से लेकर के योजन तक हमने देख लिया, ऊपर ऊपर का बड़ा बड़ा भाग, एक अंगुल से उसको डिवाइड करेंगे छोटा छोटा, जैसे 1 किलोमीटर डिवाइड किया तो 1000 मीटर आ गया, उसको डिवाइड किया तो 100 सेंटीमीटर आ गया, 1 मीटर को उसको डिवाइड करेंगे तो 10 मिलीमीटर आ जाता है। उसी तरह एक अंगुल को डिवाइड करते करते नीचे से देखिए, इसमें नीचे से देखिए 8 जव बराबर 1 अंगुल, तो एक अंगुल को डिवाइड करेंगे 8 इक्वल पार्ट करेंगे तो 1 जव का दाना, तो जव का दाना 8 जव के दाने बाजू बाजू में अगर रखेंगे तो 1 अंगुल प्रमाण वो होता है। उसको फर्दर 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 चू, सिर में जो बाल में होती है चू, वो चू की पेट, उसकी पेट जो करेगी ऐसे 8 जू बराबर 1 जव का दाना, उसको डिवाइड करने से 8 से डिवाइड करने से 8 दिन आता है, उसको 8 से डिवाइड करने से 1 बालाग्रह यानी बाल की थिकनेस, इतना सूक्ष्म है बालक का बाल की थिकनेस पर, उसको फर्दर डिवाइड करने से 8 से डिवाइड करने से आता है रथ रेणु। रथ रेणु यानी गांव में जब रास्ते में दूर वाला रास्ता होगा और बीच में से रथ जाएगा अगर स्पीड में, तो जो हवा में उड़ती है और अदर उड़ती है, जो उड़कर गिर जाती है वो भारी है, जो उड़ करके ऐसे अदर रहती है हवा में, उस तरह की उसकी थिकनेस जितना बनेगा, और वो रथ रेणु को भी फर्दर डिवाइड करेंगे, सॉरी ये रथ रेणु मैंने समझाया, रथ रेणु का 8वां भाग आता है रथ रेणु। ये रथ रेणु हमें देखने मिलती है जब पानी परात में ठंडा करने के लिए रखते हैं और सूर्य का प्रकाश किसी तरह से ऊपर गिरेगा तो उसमें हमें सूक्ष्म बाल जैसे, जैसे रुई के वो छोटे छोटे ये होते हैं ना फाइबर्स, उस तरह के हमें दिखते हैं वो पानी के ऊपर गिर जाते हैं, ये सारे उसकी जो थिकनेस है उसे कहते हैं त्रस रेणु। उसे त्रस रेणु कहते हैं क्योंकि त्रस यानी पलन चलन करने वाला, तो ये हवा में हर जगह पर ये त्रस रेणु बारीक होती है, सूक्ष्म त्रस रेणु हर जगह पर होती है, तो वो कभी कभी ये पानी इसका जो वेग होता है हवा में, तो वेग से वो नीचे आकर के पानी के ऊपर स्थिर हो जाता है। यही त्रस रेणु हमें दिखने मिलती है जब कोई पूरा अंधेरा होगा कमरे में और एक चित्र होगा जहां से प्रकाश आ रहा है अगर अंदर, तो प्रकाश में हमें त्रस रेणु हवा में तैरती, तो ये हवा में तैरने वाली जो फाइबर से छोटे छोटे ये सारे त्रस रेणु है, और वो त्रस रेणु का भी 8वां भाग करेंगे तो आता है बादर परमाणु, और बादर परमाणु के असंख्य भाग करेंगे, सॉरी अनंत भाग, उसका अनंत भाग बनता है एक सूक्ष्म परमाणु, ये जो है अनडिविजिबल परमाणु। जहां पर भी परमाणु स्कंद देश प्रदेश इस तरह की जब बात आती है वहां जो परमाणु है वो सूक्ष्म परमाणु होता है, तो वैसे अनंत परमाणु जब जमा होंगे तब बनेगा एक बादर परमाणु, जो जन्म चक्र से हम देख सकते हैं वैसा परमाणु तब बनता है, सूक्ष्म परमाणु जन्म चक्र से कभी हम देख नहीं। याद असंख्य यानी क्या? असंख्य ये बहुत बड़ी संख्या है,
हम लोग कभी कभी व्याख्यान में प्रश्न पूछते हैं तो हम असंख्य अनंत ऐसे ही बोल देते हैं, हमें डिफरेंस भी उतना ज्यादा पता नहीं होता है चर्चा करके। तो ये असंख्य ये बहुत बड़ी संख्या है, करोड़ों को करोड़ों बार जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे उसको करोड़ों से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी असंख्य नहीं आएगा। चौथा कर्म ग्रंथ अगर किसी ने किया है तो उसमें लास्ट चैप्टर में असंख्य कैसे गिनती होता है वो कितना बड़ा है ये विषय उसमें किया है, बहुत बड़ा विषय है, कॉम्प्लेक्स है समझना। और यही भारत साहब की जो विरालयम ग्लोबल पाठशाला चल रही है उसमें अभी ये मैं यही असंख्य का विषय करा रहा हूँ। दो क्लास लास्ट वीक में हो गया है, लास्ट वीक मंडे को एक क्लास हो गई, दूसरी क्लास हो गई वेडनेसडे को, एवरी मंडे वेडनेसडे ये दो दिन क्लास चलती है उसमें ये विषय पर कॉस्मोलॉजी पर। तो उसमें ये असंख्य समझाना जस्ट लास्ट वेडनेसडे को शुरू किया है और अभी ये आज आज शाम को फिर से होगी 7 से 8 क्लास होती है। ये असंख्य इतना बड़ा होता है वो 4 से 5 क्लास जब करेंगे तब समझ में आएगा असंख्य। आपको किसी को भी अगर रात को 7 से 8 बजे की क्लास ज्वाइन करनी हो सोमवार और बुधवार को, इनकी क्लासें विरालयम के ऊपर रहती है, विरालयम ग्लोबल क्लास से चलती है, तो आप यहां से पासकोड और आईडी ले लेना, घर में बैठ करके 7 बजे चालू करना, तो यही विषय आपको घर बैठे ऑनलाइन आप सीख सको। अमर भाई पास से अभी दे देगा सबको, अमर भाई को कांटेक्ट करके मेरे साथ अमर भाई आपको दे देंगे, इसको ज्वाइन करना है तो जूम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं 7 से 8। और उसी के यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है। और तो आगे का जिसको अगर रियली इंटरेस्ट है समझना तो थोड़ा पीछे का जो लास्ट मंडे और वेडनेसडे को हो गया है वो दोनों वीडियो पहले देख लीजिए, बाद में ज्वाइन करेंगे तो समझ में आएगा, इसमें बीच में कुछ भी छूट गया तो आगे का समझ में नहीं आएगा। तो एक राज 14 राज लोग जब बोलते हैं तो उसमें 14 राज प्रमाण है राइट। तो 14 किलोमीटर बड़ा कुछ होगा तो हमें समझ में आएगा, 14 योजन भी अभी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो राज क्या है, ये असंख्य योजन बराबर एक राज बनता है, एक एक राज असंख्य योजन का है, हमारी कल्पना के भी बाहर है इतना बड़ा बड़ा एक एक राज। और अनंत भी वही क्लास में कवर करने वाले हम असंख्य एक्सप्लेन करेंगे, बाद में अनंत आएगा, उसके बाद में पल्लवोपम और सागरोपम ये दोनों कवर करेंगे, और उसके बाद में उत्तर परावर्त काल, यहाँ तक लगभग 12-15 क्लास तक ये चलेगा। ये अनंत भी असंख्य से असंख्य गुना बड़ा करेंगे तो भी असंख्य ही आता है, सबसे छोटा जो असंख्य है उसको असंख्य गुना बड़ा करने से भी असंख्य ही आता है, अनंत उससे भी बहुत बहुत बड़ा है। इसमें आगे आगे हम जो भी डायग्राम देखेंगे जंबू द्वीप का, मेरू पर्वत का वगैरह, तो इसमें दो प्रकार के डायग्राम होते हैं, एक होता है ये वर्ल्ड मैप जैसा, वर्ल्ड मैप जब हम इस तरह से बनाते हैं इधर बोर्ड पर वर्ल्ड मैप आप देखते हैं जो ऊपर है वो कौन सी दिशा है, नॉर्थ है राइट। हाँ वैसे हम देखेंगे ऊपर कौन सी दिशा आती है, ऊर्ध्व दिशा है, ऊपर ऊर्ध्व दिशा, नीचे अधो दिशा है, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट ऐसे होता है। तो वर्ल्ड मैप जो है वो मैप हम बुक किताब को ऐसे टेबल पर रखेंगे ऐसा मैप है, लेकिन उसे हम ऐसा खड़ा करके यहाँ जब दिखाते हैं तो नॉर्थ साउथ कॉर्नर में दिखाए नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट। तो कुछ डायग्राम्स इस तरह से होते हैं जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे दिखेगा ओके, और कुछ डायग्राम्स ऐसे आएंगे ये सरदार पटेल का स्टैचू, तो इसमें अभी ऊपर की दिशा कौन सी हो गई, ऊपर की ऊर्ध्व हो गई, नीचे अधो दिशा हो गई, ज्यादा करके इसमें पूर्व पश्चिम दिखाया जाता है। तो जो भी डायग्राम अभी आगे आगे इसमें देखेंगे हमारे साथ भी बोर्ड में जब पहुंचाते हैं तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सी दिशा का ये डायग्राम है। कुछ लोग जब जम्बू द्वीप ऐसे दिखाते हैं बोर्ड पर तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भरत क्षेत्र नीचे है और ऐरावत क्षेत्र ऊपर है, बीच में महाविदय क्षेत्र है, ऐसी समझ कुछ लोगों को ऐसी गैर समझ हो जाती है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कौन से डायग्राम में ये कैमरा सामने से लेकर के ये पिक्चर लिया है, सरदार पटेल का सामने से पिक्चर लिया तो ऊपर ऊर्ध्व और नीचे अधो दिशा आ गई। तो मेरू पर्वत का डायग्राम आएगा तो उसमें ऊर्ध्व अधो दिशा वाला डायग्राम आएगा, जम्मू द्वीप का किस तरह जाएगा, जैसे जम्मू द्वीप के ऊपर कोई सैटेलाइट कैमरा रखा है और वहां से फोटो ले रहे हैं तो जम्मू द्वीप कैसे दिखेगा, अढ़ाई द्वीप कैसे दिखेगा, लवण समुद्र कैसे दिखेगा, तो ऊपर से कैमरा
का फोटोग्राफ दिखाया जाता है। तो ये दिशा ज्ञान इस तरह से हर एक डायग्राम में क्लियर होना चाहिए। तो 14 राजद्रोह का ये शेप लगभग सभी ने देखा होगा। इसमें एकदम बॉटम में देखेंगे तो अच्छा, उसमें बॉटम में थोड़ा सा कट हो रहा है, लेकिन बॉटम में आपको थोड़ी सी हल्की लाइन दिख रही है। सात राज्य प्रमाण एकदम बॉटम में लास्ट जो लाइन है वो सात राज्य प्रमाण है। हाइट इसकी 14 राजद्रोह की हाइट 14 राज्य प्रमाण है। सबसे नीचे सात राज्य प्रमाण, वहां से एग्जैक्ट सेंटर में जब आते हैं तो उसकी बिट कम होते होते एक राज्य प्रमाण होती है। वहां से ऊपर जब जाएंगे तो चौड़ी होते होते पांच राज्य प्रमाण चौड़ी होती है, और सबसे ऊपर जाएंगे तब कुछ एडजस्टमेंट होता है, और सबसे ऊपर जो है वो एक राज्य प्रमाण की बिट है। तो ऐसा 14 राज्य लोग बनता है, इसे वैशाखी संस्थान भी कहते हैं। इसमें उर्दू और अधोधीजा ऊपर नीचे उर्दू और अधोधीजा समझना। अभी थ्री डायमेंशनल यही 14 राज्यों को अगर 3D में देखेंगे इस तरह से दिखेगा। जैसे एक गमला होता है जो प्लांटेशन करने का गमला, वो गमले को उल्टा रख दिया तो इस तरह का दिखेगा, उसके ऊपर दूसरा गमला सीधा रख दिया और उसके ऊपर और एक गमला उल्टा रख देंगे तो कैसा दिखता है, इस तरह का ये शेप। नाश्तो किदो के नहीं किदो तब मैंने याद है कि वैशाली नाश्तो की तो क्या निकलो। तो ये हो गई इसकी टोटल हाइट 14 राज्य प्रमाण, इसलिए इसे 14 राज्य कहते हैं। इसके अंदर हर जगह पर जीव है, सूक्ष्म जीव की हाजिरी हर जगह है। 14 राज्य लोग में ऐसी कोई जगह नहीं है वहां पर सूक्ष्म जीव होंगे। तो जो 6 द्रव्य है जीव अजीव धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय वगैरह, वो कहाँ कहाँ पर है, तो इसमें पूरे 14 राजलोक में हर जगह पर जीव की हाजिरी है। उसी तरह धर्मास्तिकाय द्रव्य संपूर्ण 14 राजलोक में ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ पर ये धर्मास्तिकाय द्रव्य नहीं पूरा होता है। अधर्मास्तिकाय द्रव्य भी 14 राजलोक में संपूर्ण हर जगह पर फैला हुआ है। आकाश अस्थिकाय द्रव्य फिर से दिखाता हूँ, छोटा सा एक गोला बीच में से शुरू होकर के 14 राज्यों के बाहर की तरफ जाता है। अच्छा, वहां पर उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, वहां उतना क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो आकाश अस्थिकाय एक ही द्रव्य है जो ये 14 राज्यों के अंदर के भीतर में भी है और बाहर के भीतर में भी, ये आकाश अस्थिकाय द्रव्य है। और ये जो 14 राज्यों का शेप दिखाया है, ये शेप शेप कैसे बनता है, ये शेप ये द्रव्यों से ही बनता है, क्योंकि ये एरिया में इतने एरिया में 6 द्रव्य की हाजिरी है, इसीलिए ये लोक बन गया। जहाँ द्रव्य की हाजिरी नहीं है वो सारा अलोक कहलाता है, जो लोक के बाहर का विस्तार है। तो आकाश अस्थिकाय द्रव्य अंदर और बाहर दोनों जगह पर है, उसकी कोई बीच में ऐसी बाउंड्री नहीं है, कंटिन्यूस है। लेकिन जो लोक के अंदर जहाँ 6 द्रव्य की हाजिरी है उतना विस्तार जो लोक है, उतने विस्तार में जितना आकाश द्रव्य है वो लोकाकाश कहलाता है, और लोक के बाहर का अलोकाकाश कहलाता है। वो अलोकाकाश अनंत है, हर दिशा में कितने भी दूर जाएंगे तो ये आकाश का कहीं अंत नहीं मिलेगा। तो इसके बाद में जो द्रव्य है वो है उपजल अस्थिकाय। उपजल द्रव्य की भी हाजिरी 14 राज्यों में हर जगह पर है, और काल द्रव्य की भी हाजिरी 14 राज्यों में हर जगह पर है। और ये 14 राज्यों में एग्जैक्टली सेंटर में समुद्रा भूमि है, जो अभी स्क्रीन पर आ गई समुद्रा भूमि। इस तरह से फिर से दिखाता हूँ, ये ऐसी व्यवहार काल सिर्फ 2.5 दिन के अंदर है। संभूतला भूमि से 900 योजन ऊपर, अभी योजन की जहां जहां बात आएगी प्रमाण अनुरूप वाला योजन समझना है, जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा है।
समुद्रा भूमि से 900 यजन ऊपर और 900 यजन नीचे, इतना जो 1800 यजन की हाइट वाला क्षेत्र है, और सेंटर एक्जेक्टली सेंटर में बिल्ड की थी एक राज प्रमाण है, यानी एक राज का ऐसा सर्कल, ठीक है, थाली जैसा गोल, तो जिसका डायमीटर है एक राज प्रमाण। तो वहां से 900 ऊपर नीचे तक का तिरछा लोक कहते हैं उसे, या तो उसे मध्य लोक कहते हैं। तिरछा लोक छोड़ के ऊपर का जितना भी सात राज प्रमाण क्षेत्र है, सात राज में न्यून कितना हुआ 900 योजन न्यून, सात राज प्रमाण ये हो गया उत्तरलोक, और नीचे सात राज प्रमाण उसमें न्यून 900 योजन न्यून करना है, सात राज में इतना हो गया अधोलोक। तो ये उत्तरलोक अधोलोक और में तिरछा लोक या तो मध्य लोक हो गया। सेंटर में एक राज प्रमाण ऐसे गोल, प्लास्टिक का पाइप आता है गोल, वैसे वैसे पूरी गोलाई समझनी है उसकी, जिसकी गोलाई कितनी है एक राज्य प्रमाण गोलाई वाला ऐसा गोल विस्तार, इसे कहते हैं त्रस नाड़ी। इसलिए त्रस नाड़ी कहते हैं कि जीव तो हर जगह है, लेकिन त्रस नाड़ी ऐसा विस्तार है जहां पर त्रस जीव की हाजिरी है, त्रस नाड़ी के बाहर कहीं पर भी त्रस जीव नहीं होते हैं। स्थावर और त्रस ये दो प्रकार के जीव है, स्थावर जीव जो एक जगह रहते हैं अपनी मर्जी से हलन चलन नहीं कर सकते, फिर नहीं सकते अपनी मर्जी से। तो उसमें आगे पांच प्रकार के इंद्रिय जीव, पृथ्वी का, अपकाय, देवकाय, अपकाय, वनस्पति का, ये पांचों स्थावर जीव है। स्थावर जीव 14 राज्यों में हर जगह है, वे दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस जीव है, और वो ये सिर्फ त्रस नाड़ी में होते हैं। इसलिए देव और नरक ये जो हमें पता है, देव और नरक त्रस जीव है, पंचेंद्रिय है, त्रस जीव है, तो ऊपर ऊपर जितने भी देव लोग के वो सारे त्रस नाड़ी के अंदर अंदर है, त्रस नाड़ी के बाहर का विस्तार में देव देवलोक वगैरह नहीं होगा और देव वहां जाते भी नहीं है। वैसे ही नीचे जो नरक पृथ्वी वगैरह आएगी उसमें ये सेंटर का एक राज प्रमाण जो त्रस नाड़ी का विस्तार है, सारे नरकावास ये एक राज प्रमाण विस्तार के अंदर अंदर ही, और समुद्रा भूमि के एग्जैक्टली सेंटर में मेरु पर्वत इस तरह से आया है, और सबसे ऊपर सिद्ध शिला देखिए, सबसे ऊपर ऊपर की जो बाउंड्री है ना उसे कहते हैं लोकांत, वहां पर लोक अंत हो गया, एकदम ऊपर की सरफेस को लोकांत कहते हैं। उसके बाद में जरा ऊपर जाएंगे तो वो लोक के बाहर का विस्तार हो गया। वहां से शुरू करके ये सिद्ध शिला वहां से थोड़ी नीचे, वहां से कितनी नीचे, एक योजन नीचे है सिद्ध शिला, लोकांत को टच करके नहीं है। तो सिद्ध क्षेत्र जो है वो ये बीच का जो एक योजन विस्तार है उसके अंदर थोड़ा सा विस्तार है, वो सिद्ध क्षेत्र है। तो सिद्ध के जीव वो विस्तार में वहां पर पहुंचते हैं, एग्जैक्टली सिद्ध शिला के ऊपर नहीं बैठते, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ऐसा पिक्चर दिखाया जाता है, वो सिद्ध शिला के ऊपर बैठे हुए नहीं होते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, लेकिन लोक के बाहर नहीं जाएंगे, लोकांत तक जाकर के है। ऐसा चारों तरफ का गोल स्ट्रक्चर है। अभी उद्गलोक में क्या क्या है बहुत संक्षिप्त में, इसमें लगभग सभी को पता होगा, दिशा भी साथ साथ में उद्गल अगुल दिशा वगैरह दिखाया है। उद्गलोक में क्या क्या है, ये सेंटर में मेरु पर्वत नीचे आ गया और ऊपर सिद्ध शिला आ गई, और बीच में इस तरह से 12 देवलोक जाएंगे। तो 12 देवलोक में पहला दूसरा बाजू बाजू में है, ब्लू वाले जो स्क्वायर से वो छोड़ दीजिए, रेड वाले जो है वही मैं अभी बता रहा हूँ। तो पहला दूसरा सामने सामने, फिर तीसरा चौथा सामने सामने है, उसके ऊपर एक ही है 5 नंबर का देवलोक जो थोड़ा बड़ा दिखाया है, फिर ऊपर 5 के ऊपर 6, 7 और 8 है, फिर सामने सामने 9, 10 और सामने सामने 11, 12, इस तरह से ये 12 देवलोक आ गए। तो अभी ये ब्लू वाले जो है वो पिंपीशील देव के स्थान है, जो पहले दूसरे के नीचे पहला पिंपीशील होता है, तीसरे के नीचे दूसरा पिंपीशील, और छठवा देवलोक के नीचे तीसरा पिंपीशील देव का स्थान है। पांचवा बड़ा इसलिए दिखाया है क्योंकि पांचवें देवलोक में ही 9 लोकांतिक देव के स्थान भी पांचवें देवलोक में ही आते हैं, इसलिए उसे थोड़ा बड़ा करके ये 12 देवलोक के ऊपर आता है नव ग्रह,
और ये नव ग्रह के ऊपर आएगा पांच अनुत्तर विमान। तो ये पांच अनुत्तर विमान जो है वो ये टू डायमेंशनल डायग्राम में एक साथ में पांचों दिखाना शक्य नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पर साइड में ये जो आपको दिख रहा है ना ये किसका जो लेफ्ट में है वो फ्रंट कैमरा व्यू है, फ्रंट में से कैमरा लेके पिक्चर क्लिक करेंगे तो कैसा दिखेगा, सॉरी जो राइट साइड में पिक्चर है वो फ्रंट कैमरा व्यू है और लेफ्ट में जो ये दिख रहा है छोटा डायग्राम यहाँ पर ये सारा टॉप व्यू है। अगर ऊपर से कैमरा रख के अनुत्तर विमान का पिक्चर लेंगे तो किस तरह दिखेंगे, एक सेंटर में ये सेंटर में है एक विमान और चार दिशा में चार विमान आए हैं, इस तरह से ये पांच अनुत्तर विमान हो रहे हैं। तो अभी ये देखिए शंभु तरह एग्जैक्टली शंभु बीच में शंभु तरह भूमि दिखाई थी उसका ऊपर से कैमरा रख के कैसे दिखेगा, तो उसमें मेरु पर्वत कैसे दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे गोल दिखेगा राइट, ऐसे लंबा नहीं दिखेगा, ऊपर से ये दिखाया मेरु पर्वत एग्जैक्टली शंभु तरह भूमि एक राज का गोल विस्तार, उससे सेंटर में मेरु पर्वत उसके आजू बाजू में है जम्बू द्वीप के आसपास में है लवण समुद्र, उसके आसपास में आता है धातु खंड, बाद में कालोदधी समुद्र आता है, इसमें इसका पानी काले रंग का है इसलिए कालोदधी कहते हैं और सादा पानी जैसा जैसा हम लोग मटके में पानी भरते हैं वैसा सादा पानी जैसा इसका स्वाद है कालोदधी समुद्र का। लवण समुद्र का लवण वाला यानी नमक वाला सारा स्वाद है ये तो हमको सभी को पता है ठीक है। लवण समुद्र के बाद में ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र अवेलेबल है, तो उसमें से कुछ कुछ यहाँ पर दिखा देते हैं। तो उत्तरवर द्वीप आता है उसके बाद में उत्तरवर समुद्र आता है जिसमें उत्तर जाति के बहुत ज्यादा कमल है इसके उसे उत्तर नाम दिया गया है, इसका स्वाद भी सादा पानी जैसा ही है उत्तरवर समुद्र का पानी का। उसके बाद में आएगा वारुणीवर द्वीप और वारुणीवर समुद्र, वारुणीवर समुद्र का पानी का स्वाद मदिरा जैसा है इसलिए उसका नाम वारुणीवर रखा गया है। बाद में आता है क्षीरवर द्वीप और क्षीरवर समुद्र, इसका पानी का स्वाद क्षीरवर समुद्र। बाद में भूतवर समुद्र का अर्थ है कि इसके पानी का स्वाद की जैसा है इसलिए ये नाम रखा गया है। बाद में इक्षुवर समुद्र और सॉरी इक्षुवर द्वीप और उसके बाद में आएगा इक्षुवर समुद्र, ये समुद्र का पानी का स्वाद इक्षु यानी दुर्गंध का रस इसके जैसा है इसलिए ये नाम है इसका। उसके बाद में आठ नंबर का अभी तक सात द्वीप आ गए, आठ नंबर का द्वीप है नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर द्वीप के बाद में नंदीश्वर समुद्र है, उसके आगे आगे द्वीप समुद्र ऐसे करते करते असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र के बाद में जो सबसे लास्ट में आता है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। और ये सारे द्वीप और समुद्र एक दूसरे से डबल 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 विस्तार वाले है, तो जम्मू द्वीप 1,00,000 का है तो रमण समुद्र 2,00,000 विस्तार वाला, उसके आगे 4,00,000 8,00,000 16,00,000 32,00,000 ऐसे आगे आगे डबल डबल है और सबसे लास्ट है स्वयंभू रमण समुद्र बीच वाले द्वीप समुद्र यहाँ पर डायग्राम में हमने दिखाया नहीं है, ज्यादा जानने लायक ये 7, 8, 8 तक ज्यादा जानने लायक है और 11, 12 तक भी थोड़ा सा जानने लायक है, उसके बाद में आगे आगे जानने लायक पदार्थ कम है। अढ़ाई द्वीप जो हम कहते हैं वो अढ़ाई द्वीप उसका रिश्ता 45 लाख योजन ये इस तरह से आता है, सेंटर में जम्बू द्वीप उसके सेंटर में मेरु पर्वत उसके बाद में लवण समुद्र धातुकी खंड कालोदधी समुद्र और उत्तरवर द्वीप। तो पहला जम्बू द्वीप दूसरा धातुकी खंड तीसरा उत्तरवर द्वीप तीन द्वीप हो गए यहाँ तक, हमें अढ़ाई द्वीप चाहिए। तो ये उत्तरवर द्वीप जो है उसके एग्जैक्टली सेंटर में ये 16 लाख योजन का है उत्तरवर द्वीप, उसके एग्जैक्ट सेंटर में यानी 8 लाख योजन विस्तार के बाद में एक मानसोत्तर पर्वत है और इसके मानसोत्तर पर्वत के अंदर वाला अर्ध उत्तरवर द्वीप ये आधा द्वीप लेना है हमें और बाहर के आधा द्वीप को निकाल लेना है।
तो यहाँ तक हो गए ये अढ़ाई दिन, पहला जम्बू द्वीप फुल, ताकि खंड फुल और उत्तर द्वीप का आधा लिया, इसलिए ये अढ़ाई दिन द्वीप कह जाता है। इत्र ये मानुषोत्तर पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य के जन्म और मरण ये पर्वत की जो बाउंड्री है उसके अंदर अंदर ही होते हैं, इसके बाहर कभी भी किसी भी मनुष्य का जन्म मरण होता नहीं। तो बाहर कोई मनुष्य जन्म ही नहीं लेगा तो मरण कैसे होगा, प्रश्न कैसे मरण की संभावना कैसे संभावना बनती है, नहीं बनती, जन्म ही नहीं लेता है जब बाहर, तो कोई मरण की संभावना वैसे नहीं बनती है। लेकिन कोई देव किसी मनुष्य को उठा करके पढ़ाई लिख के बाहर लेकर जा सकते हैं। और गंगा चरण मुनि या विद्या चरण मुनि ये लोग भी अढ़ाई द्वीप के बाहर अपनी लकड़ी से जा सकते हैं। तो कुछ कुछ लकड़ी से नंदीश्वर द्वीप तक मुनि जाते हैं। और कोई देव किसी मनुष्य को किसी को उठा करके ये अढ़ाई द्वीप के बाहर लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सगर्भा स्त्री होगी उसे बाहर लेकर गए तो बालक के जन्म के पहले पहले वही देव उसे अंदर वापस निश्चित ले आएगा, या तो दूसरे अन्य कोई देव उसे अंदर लेकर आएगा और मनुष्य का जन्म अंदर ही होगा। तो इसके बाहर कभी भी मनुष्य का जन्म नहीं होगा। उसी तरह कोई भी मनुष्य लकड़ी से बाहर गया हो या कोई देव उसे बाहर लेकर गया हो तो उसका मृत्यु काल नजदीक आ गया तो उस वक्त वो मनुष्य अपनी लकड़ी से अंदर आ जाएगा या कोई देव उसे इसे अवश्य अंदर लेकर आएगा। जन्म और मृत्यु किसी के अंदर ही होगा। इसका 45 लाख योजन विस्तार इस तरह से गिनती होती है, 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप। बाद में गवर्ण समुद्र, गवर्ण समुद्र हम कहते तो है 2 लाख योजन का, लेकिन यहाँ पर 2+2=4 दिखाया है गवर्ण समुद्र। उसके बाद में ताप्तीकरण हम कहते हैं 4 लाख योजन, लेकिन यहाँ 4+4=8 दिखाया है, क्योंकि जम्बू द्वीप खाड़ी जैसा गोल है तो उसका पूरा विस्तार 1 लाख योजन का मेजरमेंट होता है उसके डायमीटर से। उसके बाद में जो है ईस्ट एंड वेस्ट बलिन है, तो उसके बाद में जो गवर्ण समुद्र है उसका ईस्ट एंड वेस्ट दोनों साइड 2-2 लाख विस्तार ऐसे समझना है। उस यानी फुल विस्तार उसका फुल डायमीटर लेंगे तो 5 लाख का आएगा। सेंटर में 1 लाख का जम्बू द्वीप हो गया, 2 लाख इस तरफ, 2 लाख इस तरफ, तो ऐसे फुल डायमीटर देखेंगे तो 5 लाख का आएगा। लेकिन हमेशा हमारी जो मेथड है उसमें हम एक साइड का ही फिगर बोलते हैं, तो उसे हमेशा बोलना है गवर्ण समुद्र को 2 लाख का, ठीक है। लेकिन समझना हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि इसमें दोनों साइड के 2-2 लाख देने। तो इसीलिए यहाँ पर 1+2+2=4, बाद में 4+4=8, और उसके बाद में अर्धकुंभ भरत द्वीप में देखेंगे तो वहां पर भी जिनसे 8+8=16 दिया है, क्योंकि वो है तो डबल, लेकिन आधा ही लेना है, इसलिए 8+8=16। और ऐसे करके अढ़ाई द्वीप का जो माप आता है वो आता है 45 लाख मीटर प्रमाण अढ़ाई द्वीप। और यही अढ़ाई द्वीप के बिल्कुल ऊपर सिद्ध शिला आई हुई है, क्योंकि सिद्ध कोई होता है तो मनुष्य देह से ही होता है, कोई तेज गति से कहीं से सिद्ध होता नहीं है। मनुष्य का जन्म मृत्यु दोनों अढ़ाई द्वीप के अंदर अंदर से ही होता है, तो सिद्ध शिला का माप भी अढ़ाई द्वीप के प्रमाण ही है, सिद्ध शिला के ऊपर जाएगा। जम्बू द्वीप को हम विस्तार में समझेंगे, जम्बू द्वीप के अंदर क्या क्या पदार्थ है। तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन यानी इसकी ऐसे ईस्ट वेस्ट देखेंगे तो 1 लाख आएगा, नॉर्थ साउथ देखेंगे तो 1 लाख आएगा, किसी भी डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे एंड टू एंड 1 लाख योजन का आएगा। ये 1 लाख योजन विस्तार में पर बिल्कुल सेंटर में अगर मैं एक पर्वत रख देता हूँ तो क्षेत्र कितने बनेंगे, कितने सेंटर में एक पर्वत रख दिया और दो, एक नॉर्थ में एक साउथ में, सेंटर में एक पर्वत रखने से दो क्षेत्र बनते हैं। ऐसे दो पर्वत रख दो तो कितने क्षेत्र बनेंगे, दो आड़े आड़ पूर्व पश्चिम दो पर्वत रख क्षेत्र कितने बन गए, एक यहाँ रखा ठीक है, और दूसरा पर्वत में यहाँ पर रखता हूँ,
चारों हो गए कैसे चार जिसने कहा फिर से सोचिए दो पर्वत रखे मैंने तो तीन बिस्तर हो गए अभी सेंटर वाला फिर से रखता हूँ तो चार बिस्तर हो जाएंगे जितने पर्वत रखेंगे उससे एक ज्यादा बिस्तर बनेगा एक पर्वत से दो क्षेत्र हो जाएंगे दो पर्वत से तीन क्षेत्र बनेंगे ऐसे छह पर्वत रख देंगे तो सात क्षेत्र बनेगा ये जम्बू द्वीप में छह पर्वत है और सात क्षेत्र है इस तरह से इसे डिवाइड करो तो अभी ये सेंटर में तो मेरू पर्वत है आसपास में लवण समुद्र है जम्बू द्वीप के चारों तरफ अभी एकदम बिल्कुल नीचे ये पर्वत आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये स्क्रीन में ऊपर नीचे का पोर्शन कट हो रहा है ठीक है तो वो पर्वत ये जो कट हो रहा है वहां पोर्शन में एक पर्वत है तो ये मेरी स्क्रीन पर तो आ गया भी कट हो रहा है ये दूसरा पर्वत आ गया तीसरा पर्वत तो मेरू द्वीप के दक्षिण तरफ में तीन पर्वत है और मेरू द्वीप के उत्तर में पहला पर्वत स्क्रीन के ऊपर कट हो गया दूसरा पर्वत दिख रहा है आपको और ये तीसरा पर्वत ये सारे पर्वत के नाम है लघु हिमवंत पर्वत दक्षिण में सबसे नीचे लघु हिमवंत पर्वत बाद में महा हिमवंत पर्वत फिर विशद पर्वत और उसके ऊपर नीलवंत पर्वत है रुग्णी पर्वत है और जो आपको दिख नहीं रहा है वो शिखरी पर्वत है उसके ऊपर तो इससे सात क्षेत्र में ये डिवाइड हो गया ये सात क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर मनुष्य रहते हैं और क्षेत्र की बाउंड्री पर्वत से बनी हुई है ठीक है सबसे नीचे का क्षेत्र जो ये स्क्रीन में कट हो गया अभी वो है भरत क्षेत्र नाम दिख रहा है लेकिन क्षेत्र है भरत क्षेत्र उसके बाद में जो है वो हिमवंत क्षेत्र बाद में हरिवर्ष क्षेत्र तो दक्षिण में तीन क्षेत्र हो गए भरत हिमवंत और हरिवर्ष क्षेत्र ये तीन दक्षिण में हो गए उत्तर में सबसे ऊपर सॉरी सेंटर में जो है वो महाविदेह क्षेत्र चौथा अभी सबसे ऊपर ऐरावत क्षेत्र जो अभी आपको नाम दिख रहा है लेकिन क्षेत्र दिख नहीं रहा है हिरण्यवंत क्षेत्र और रम्य क्षेत्र ये सात क्षेत्र के नाम होते हैं महाविदेह क्षेत्र जो है उसमें दो गजदंत पर्वत या हस्तिदंत पर्वत हाथी के दांत के आकार के है इसलिए गजदंत पर्वत ऐसे दो पर्वत उसके दक्षिण में और दो पर्वत उत्तर में महाविदेह क्षेत्र में मेरु के दक्षिण और उत्तर में इस तरह से दो और दो चार गजदंत पर्वत आए हुए हैं जिससे देवगुरु क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र ऐसे दो और क्षेत्र बन जाते हैं जम्बू द्वीप में तो सात क्षेत्र पहले देखे थे प्लस ये दो हो गए ऐसे नौ क्षेत्र हो गए जहाँ पर मनुष्य रहते हैं ये गजदंत पर्वत से महाविदेह क्षेत्र पूर्व महाविदेह और पश्चिम महाविदेह ऐसे दो विकार हो गए उसके शब्दापाती पर्वत स्क्रीन में एकदम नीचे छोटा सा रेड डॉट आ गया है जिसे शब्दापाती पर्वत है उसका नाम और ये है वृत्त वैताड्य पर्वत वृत्त यानी गोल और दीर्घ यानी लंबा तो वृत्त वैताड्य दीर्घ वैताड्य ऐसे दो प्रकार के वैताड्य पर्वत है तो इसमें ये अभी जो दिख रहा है वो शब्दापाती वैताड्य पर्वत है जो हिमवंत क्षेत्र में है हरिवर्ष क्षेत्र में सेंटर में गंधापाती वृत्त वैताड्य पर्वत है और उसी तरह ऊपर के दो क्षेत्र में विकटापाती और माल्यवंत ये नाम के और दो वृत्त वैताड्य पर्वत है यानी हर एक क्षेत्र में सेंटर में वृत्त वैताड्य पर्वत है चार चार क्षेत्र में महाविदेह क्षेत्र में तो सेंटर में मेरु पर्वत बाकी चार क्षेत्र में ये हो गए तो सात में से पांच क्षेत्र में गोल आकार का पर्वत है सेंटर में अब भरत और महाविदेह ये दो क्षेत्र बच गए जिसमें लंबा पर्वत है उसके सेंटर में जो दीर्घ वैताड्य पर्वत कहलाता है वो आगे डिटेल डायग्राम जब आएगा तभी वो पर्वत हम देखेंगे प्रश्न हाँ हमारे साथ बोल रहे हैं इसमें कोई प्रश्न किसी के है यहाँ तक जो कराए उसी में प्रश्न करिए आगे आगे का इसका और डिटेलिंग वगैरह आगे आगे आएगा तो और आगे के प्रश्न अभी मत करिए
दो पार्ट आप पूर्व पश्चिम दो पार्ट ऐसे बोल रहे हैं उत्तर दक्षिण पूछ रहे हैं आपका प्रश्न पश्चिम सुधी जमाई ना 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 एवं नहीं व्रत એટલે ગોળ વચ્ચે આટલો જ છે હવે આ ગોળ ડંડો આવી ગયો તો એટલો જ છે ખ્યાલ આવ્યો આ તમે સમજો છો પૂર્વ પશ્ચિમ વાલા તો પૂરા છે એક દિશા પૂરી થઈ ગઈ લવણ સમુદ્ર સુધી એટલે ભાગ પડે છે આગળ આ નીચે ગોળ પર્વત છે તો વિભાગ આ વિધે મે કેમ માન રહે ગંદન પ્રવૃત્તિ વધે છે સિર્ફ મેરુ તો કે અકેલે હોતા તો ગોળ પશ્ચિમ દો વિભાગ નહીં કરતે હાઈ હાઈ વગેરે આગે આવ્યા આગે આગે अभी जंबूद्वीप में जो छे वर्षोदर या कुलोदर पर्वत है उसका क्षेत्र किस तरह से और उसकी हाइट कितनी है अभी सिर्फ छह पर्वत की बात कर रहा हूँ तो छह पर्वत से सात क्षेत्र बने वो छह की बात कर रही है तो ये समुद्रा भूमि अब एक मिठाई का बॉक्स होता है ना उस तरह का डायग्राम बनेगा आप देखिए समझ में आता है ये उसका बॉक्स का नीचे का प्रतर है सबसे नीचे वाला ठीक है बाद में चारों तरफ ऐसी बाउंड्री आएगी और ऊपर से बॉक्स बंद होगा राइट तो ये सारे जो शेप पर्वत है शेप एक से की ऐसा रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि साइड में राउंड हो जाएगा ऐसे स्ट्रेट होगा लेकिन साइड में वो राउंड हो जाएगा लेकिन जैसा ये बॉक्स है उसी तरह वो स्ट्रेट ऊपर है ठीक है तो ऐसे समझना है उसकी हाइट कितनी है तो हर एक पर्वत की हाइट अलग अलग है तो सबसे नीचे दक्षिण से शुरू करेंगे तो लघु हिमवंत पर्वत फिर महाहिमवंत और निषद पर्वत ये जो तीन है उसकी हाइट 100 200 और 400 योजन है तो लघु हिमवंत की हाइट हो गई 100 योजन हाइट बाद में जो है महाहिमवंत 200 योजन का हो गया और उसके बाद में निषद पर्वत 400 योजन का हो गया और आइडेंटिकल नॉर्थ में समझना है तो वहां पर भी जो तीन पर्वत है उसमें ऐरावत क्षेत्र के बाद में जो तुंगरी पर्वत है वो 100 योजन का उसके बाद में रुक्मी पर्वत 200 योजन का और नीलवंत पर्वत 400 योजन का इस तरह से उसकी हाइट होगा लेंथ कितनी है तो लेंथ पर्वत हर एक पर्वत की अलग अलग आएगी और वो ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसमें भी एक पर्वत की दक्षिण तरफ की लेंथ और उत्तर तरफ की लेंथ तो दोनों में भी फर्क होगा क्योंकि गोलाई है एंड में गोलाई है इसलिए आप समझ सकते हैं कि दक्षिण में कम होगी उत्तर में ज्यादा होगा दक्षिण के तीन पर्वत क्लियर हो रहा है इसको मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया ऐसे आपको 190 पार्ट में डिवाइड सकते जम्बूद्वीप का 1,00,000 योजन क्षेत्र को डिवाइड करेंगे 190 खंड में जिसको 190 खंड में डिवाइड करने से इतने एक एक खंड आते हैं उसमें से भरत क्षेत्र सबसे नीचे जो है वो एक खंड प्रमाण है भरत क्षेत्र एक खंड प्रमाण उसके बाद में जो पर्वत आएगा पर्वत वो दो खंड प्रमाण इससे डबल होगा तो लघु हिमवंत पर्वत दो खंड प्रमाण उसके बाद में क्षेत्र आएगा लघु हिमवंत क्षेत्र वो आएगा 4 ये है क्षेत्र ये है पर्वत ये हो गया क्षेत्र आगे आगे डबल करते जाएंगे भरत क्षेत्र हिमवंत क्षेत्र हरिवर्ष क्षेत्र लघु हिमवंत पर्वत महाहिमवंत पर्वत और निषद पर्वत तीन क्षेत्र तीन पर्वत महाविदेह के दक्षिण में वैसे ही तीन क्षेत्र तीन पर्वत महाविदेह के उत्तर में आए इनका टोटल करेंगे आएगा 16 और ये हो गया महाविदेह क्षेत्र के दक्षिण में वैसे उत्तर में करने से उसका भी टोटल आएगा 62 प्रमाण
और सेंटर में महाविदेह क्षेत्र है तो इससे डबल होगा ना, ये पर्वत 32 का है तो वो 64 का होगा, यहाँ पर भी ये पर्वत 32 का आएगा। तो सेंटर में जो महाविदेह क्षेत्र ऐसे बनेगा तो वो यहाँ के पर्वत से डबल होगा और यहाँ के पर्वत से डबल होगा, दोनों तरफ के पर्वत जो है वो 32 के है तो वो 64 का बनेगा, 64 फट का। तो अभी 63 और 64 टोटल करने से 190 आ गया। 190 खंडने डिवाइड करके उसको एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर एक क्षेत्र और हर एक पर्वत पे, तो वापस इस जगह से 64 यहां से ये 1 2 4 8 16 32 वाला के कौन सा है? निषद पर्वत, निषद पर्वत जो महाविदेह की बाउंड्री है निषद। वैसे ऊपर से 1 2 3 4 करते करते नीलवंत पर्वत आएगा 32 का। तो रूल क्या है, यहाँ से डबल 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 करते हैं तो 32 के बाद 64 करेंगे, ऊपर से भी 32 के बाद 64 ही होगा। सेंटर में मार देख लेते हैं, वो 64 खंड प्रमाण हो गया 64 और तीनों का टोटल हो गया 190। तो ये हमारा कैलकुलेशन बराबर विदाउट एनी एरर ये पूरा बैठ गया कैलकुलेटर। तो इस तरह से इसका क्षेत्र अभी एक एक की चौड़ाई निकालनी है, इसको कैसे निकालेंगे, इसको डिवीजन करेंगे 1 लाख डिवाइड बाय 190, ठीक है। तो 1 लाख को 190 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा भरत क्षेत्र जो सबसे नीचे है वो भरत क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है मिल जाएगी। तो डिवीजन करने से आंसर आता है 526 योजन और ऊपर 6 कला। 6 कला क्या है, ये फ्रैक्शन है, जिसे 10.2 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो 10 सेंटीमीटर और ऊपर 2 मिलीमीटर, ऊपर 2 मिलीमीटर है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग 1 मिलीमीटर है, जब फ्रैक्शन में आता है तो उसके उससे और ज्यादा प्रिसीजन करते हैं। वैसे यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं आने वाला, फ्रैक्शन मिल जाएगा। वो जो फ्रैक्शन है उसके लिए क्या करेंगे, एक योजन के 19 विभाग करें, जैसे ये 1 सेंटीमीटर के 10 विभाग करते हैं हम, वैसे ये एक योजन है उसके 1 2 3 4 करके 19 विभाग करें, ठीक है। तो ये 19 विभाग, एक एक विभाग को एक एक कला कहते हैं और ऐसी 6 कला, कला का मतलब है 1/19 योजन, एक कला यानी एक योजन का 19वां भाग, 6 कला यानी 36/19 योजन। ये हो गया भरत क्षेत्र का प्रमाण, और एक बार ये प्राप्त हो गया आपको, उसके बाद में आगे डबल 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 किसी भी क्षेत्र का या किसी भी पर्वत का प्रमाण आपको निकलना है, एक ही फिगर याद रखना है और डबल डबल होता है ये रूल याद रखना है। ये दो चीज याद रहेगी तो आपको कहीं प्रश्न पत्र में आएगा कि नीलवंत पर्वत की चौड़ाई कितनी है बताइए। चौड़ाई तो हर एक पर्वत की कॉन्स्टेंट है, चौड़ाई में पर्वत ऐसे सिकुड़ेंगे नहीं है। तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट है, यहाँ से भी ऐसे स्ट्रेट है, चाहे उसकी लंबाई अलग अलग होगी लेकिन चौड़ाई तो यहाँ चौड़ाई लेंगे या यहाँ चौड़ाई लेंगे तो ये चौड़ाई सेम आएगी। ये होते इसकी चौड़ाई हर एक क्षेत्र और इसकी आगे आगे डबल डबल करके मिल जाए। तो सबसे पहला जो लघु हिमवंत पर्वत है उसकी चौड़ाई कितनी आएगी, कोई बताइए इससे ऊपर से? 1052 योजन और 12 कला, ऊपर 12 कला, ठीक है, वो साइड में लिखा है। 1052 योजन 12 कला, इसमें ये एक ही दिखाई है बाकी के एफिलेट कर। ठीक है, प्रजाजन जो पर्वत देखा हमने उसका शेप एंड साइज किस तरह से है वो देखते हैं। तो ये सारे 6 पर्वत का शेप एंड साइज दोनों समझ में आ गया, शेप समझ में आ गया, हाइट समझ में आ गया, विड्थ समझ में आ गया, तो इतना क्लियर हो गया। अभी प्रजाजन पर्वत जो आगे की स्लाइड में देखे थे उसका शेप, ये उसका नीचे का फेस है हाथी दांत के आकार का, ठीक है। ये रेड जो है वो जहाँ पर वो ये पर्वत को निषद पर्वत को या नीलवंत पर्वत को टच करता है उस तरफ इस तरह का शेप है, ये उसका ऊपर का भाग आ गया।
तो ये सेल की बाउंड्री इस तरह का ये देव बंधा है रेजिडेंट पर करता है। ये क्लियर हो रहे हैं फिर इसमें यहाँ पर इसकी वेट क्या है जीरो है यानी अंगुल लो असंख्यात भाग ऐसा बोलते हैं अंगुल का असंख्यात भाग तो वो ऑलमोस्ट हमें जीरो के बराबर लगता है। तो ये पार्ट मेरु पर्वत को टच करता है और ये पार्ट निषद पर्वत को या तो निर्वंत पर्वत को दक्षिण में होगा तो निषद को टच करेगा उत्तर में होगा तो निर्वंत पर्वत को टच करेगा। वहां पर इसकी हाइट और चौड़ाई इतनी है तो इसकी चौड़ाई है 500 योजन और हाइट है 400 योजन। नीचे से ऐसे पेट यहाँ पर ये जो दिखा है ना तो ये है इसकी चौड़ाई 500 योजन और हाइट 400 योजन। याद रखना इजी है निषद और निर्वंत की हाइट कितनी है 400 योजन है निषद की भी 400 निर्वंत की भी 400 गर्दन की भी हाइट सेम है 400 योजन ठीक है। तो जहां वो निषद निर्वंत को टच करता है वहां पर हाइट 400 योजन इसीलिए याद रह सकता है सिर्फ 500 योजन विड्थ कितना याद रखना है ठीक है। और एक चीज ऐसी है कि इसकी हाइट निषद निर्वंत के पास 400 योजन है और जैसे जैसे ये पर्वत यहाँ से आगे बढ़ता है मेरू की तरफ वैसे वैसे इसकी हाइट बढ़ते बढ़ते यहाँ एंड पर 500 योजन हो जाती है ठीक है। तो 400 से लेकर के बढ़ते बढ़ते 500 योजन हाइट हो गई क्लियर आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट अभी जो हमने पर्वत इसमें देखे वो कौन से देखे वृत्त वैतरण्य पर्वत चार क्षेत्र में सेंटर में वृत्त वैतरण्य पर्वत है तो उसका शेप क्या है और साइज क्या है। ये सारे वृत्त वैतरण्य पर्वत परफेक्ट सिलिंड्रिकल शेप जैसे है एक सिलेंडर जैसा होता है और परफेक्ट यानी नीचे से भी वृत्त सेम ऊपर जाते जाते वृत्त पूरी सेम रहेगी ठीक है। तो अभी इसका डायमीटर जानना है हमें और हाइट जाननी है और कुछ इसका कोई डायमीटर नहीं है तो इसका डायमीटर है 1000 योजन का और हाइट भी है 1000 योजन। तो फर्क ये परफेक्ट सिलेंडर हर तरफ से सेम है जैसा एक क्यूब होता है हर तरफ से सेम होता है एक क्यूब वैसा ये परफेक्ट सिलेंडर है ठीक है। ये हो गया इसका शेप। ये पर्वतों के ऊपर शिखर है और वो शिखर का शेप इस तरह से है पहला मतलब एक दो तीन येलो कलर में दिखाई दिए शायद आपको वहां से नहीं दिखते हो ऊपर ऊपर दिखा ये फर्स्ट ये सेकंड मतलब एक दो तीन पर्वत हो गए इसके ऊपर शिखर की संख्या शिखर यानी इस तरह से यहाँ पर ऊपर शिखर हुआ तीन शिखर मैंने ऐसे दिखाया ठीक है। ये शिखर की संख्या है 8 11 और एक तरफ की दिखा दी तो दूसरी तरफ की संख्या उसी तरह से अभी सवाल है ठीक है। उस तरह पर तो ये पर्वत के ऊपर यानी लघु हिमवत पर्वत और ये शिखरी पर्वत दोनों के ऊपर शिखर की संख्या 8 है फिर दूसरा जो पर्वत है उसके ऊपर 11 12 9 की संख्या होगी। शिखर का शेप अभी इस लाइन में आपको दिख रहा है उस तरह से नीचे से ज्यादा चौड़ा है ऊपर जाते जाते कम हो जाता है ये आकार को कहते हैं उर्ध्व गोपुंज आकार। गाय की पूंछ का आकार इस तरह से होता है यहाँ से ज्यादा चौड़ा होता है और नीचे जाते जाते पतला होता है अलग अलग पर्वत के ऊपर उसकी साइज उसका डायमीटर अलग अलग है। कुछ पर्वत के ऊपर 1000 योजन नीचे का बेस बता
नीचे का डायमीटर कुछ पर्वत के ऊपर शिखर में 1000 योजन प्रमाण है, कुछ के ऊपर 500 योजन प्रमाण है और कुछ जगह पर 6.25 योजन प्रमाण है। ठीक है, तो 6 वर्ष तक ये है ना, सारे जम्बूद्वीप में क्या क्या अलग अलग तरह के शिखर है वो प्रमाण यहाँ दिखाए। बाकी 6 जो वर्षधर पर्वत है वो 6 के 6 के ऊपर 500 योजन प्रमाण शिखर ही है। मैक्सिमम शिखर जहां जहां शिखर की बात आएगी मैक्सिमम 500 योजन के होंगे, वो ऊपर जाते जाते उसी आधी साइज के हो जाएंगे, तो नीचे 500 है तो ऊपर जाते जाते 250 हो जाएंगे और नीचे जो 500 है उसकी हाइट भी 500 योजन होगी। यानी किसी भी शिखर का बेस जितना है हाइट उतनी है और ऊपर से थोड़ा अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये 500 by 500 by 250 योजन ये साइज लगभग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आएगी। एक्सेप्शंस खाली 2-3 जगह पर है जहां पर ये 6.25 योजन दिखाया है, दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा है, कट हो रहा है। तो 6.25 योजन और ऊपर जाते जाते उसका आधा यानी 3 के ऊपर कुछ अधिक 3 से कुछ अधिक इतना हो जाएगा। और यहाँ हाइट में आपको दिख रहा है 6.25, वही बेस में भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो कुछ जगह पर वो साइज का आएगा और कुछ जगह पर 1000 योजन साइज वाले शिखर। दीर्घ वैकल्य पर्वत, भरत क्षेत्र के सेंटर में दीर्घ वैकल्य, पहले मैंने कहा था ना वृत्त और दीर्घ दो प्रकार के वैकल्य पर्वत, वृत्त गोल गोल है और दीर्घ वैकल्य तो वो पश्चिम लंबे पर्वत है। तो दीर्घ वैकल्य पर्वत का क्षेत्र किस तरह का बनता है वो यहाँ पर दिखाया है। तो अभी एक क्षेत्र और एक क्षेत्र का प्रमाण कैलकुलेट करना है, तो 526 में से ये 50 यूनिट विस्तार माइनस करना है, जो आता है उसको इक्वल दो में डिवाइड कर देना है, इस तरह का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर में दीर्घ वैकल्य पर्वत, उसका शेप एंड साइज अभी स्क्रीन में दिखेगा। तो ये शंभू तला भूमि पर इसकी विड्थ है 50 योजन दे, शंभू तला भूमि से जहाँ से वो शुरू होता है वहां पर, वहां से 10 योजन ये पर्वत ऊपर जाता है स्ट्रेट, चारों तरफ से 10 योजन ऊपर जाएगा, उसके बाद में 10 योजन अंदर की तरफ जाएगा, फिर 10 योजन ऊपर जाएगा, फिर 10 योजन ये अंदर की तरफ जाता है और लास्ट में 5 योजन ऊपर जाके वहां पर पर्वत का टॉप आ जाता है, इस तरह का खेल इसका बनता है। ठीक है, तो ये 10 योजन ऊपर 10 योजन अंदर, अंदर की तरफ जो जाता है उसे मेघला कहते हैं। तो वो होगी पहली मेघला, फिर 10 योजन ऊपर जाएगा दूसरी मेघला आएगी और ऊपर जाएंगे तो पर्वत का टॉप आ जाएगा। मेघला, मेघला मतलब गैलरी, मेघला सपाट सपाट प्रदेश, एक बार टॉप जाने के बाद सीधा ऐसे गैलरी टाइप आता है, खांचा पड़ता है, फिर वापस ऊपर। जैसे पालीदाना लगभग तो गए होंगे, तो पालीदाना में हम थोड़ा स्टेप चढ़ने के बाद में ऐसा चलने का विस्तार आता है, थोड़ा हम चलेंगे बाद में वापस कुछ स्टेप्स आएंगे, फिर कभी कभी बीच बीच में ऐसा स्ट्रेट विस्तार जो आता है उसको हो गए मेघला। ये जो दो मेघला है उसमें ये पहली मेघला में गोल गोल जो दिखाए हैं वो है विद्याधर मनुष्य के नगर, तो यहाँ पर विद्याधर मनुष्य के नगर की श्रेणी है, श्रेणी यानी एक के बाद एक सीरीज नगर की ऐसी सीरीज। ठीक है, तो विद्याधर मनुष्य की नगर की श्रेणी पहली मेघला में दोनों तरफ उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ ऐसी श्रेणी आएगी, और दूसरी मेघला में है अति योगी देवों की श्रेणी, अभियोगी देव यानी सेवक देव होते हैं। ठीक है, तो
जो लोग में देव है उनके सेवक देव होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये चरणी बनाई है, ठीक है। और सबसे ऊपर जो टॉप है ओके, उसके पहले सबसे नीचे देखिए तमिश्रा गुफा और खंड प्रपातक गुफा, ऐसी दो गुफा है ये पर्वत में जो आर पार पूरे पर्वत में से उत्तर में से जाते हैं। और पर्वत के ऊपर ऐसे छोटे छोटे नौ शिखर है, ये जो नौ शिखर है तो आगे हमने देखा था 6.25 मीटर के शिखर, मैक्सिमम जगह पे मैंने कहा था कि 5 रीजन के शिखर आएंगे, 6.25 क्यूब जगह पर आएंगे तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ क्यों 6.25 रीजन के है, क्योंकि 5 रीजन की तो जगह ही नहीं है, ऊपर का हिस्सा ही 10 रीजन का है, इसलिए 5 रीजन का शिखर तो आएगा यहाँ पर 6.25 रीजन का शिखर आएगा, ठीक है। बोलो कोई प्रश्न जिनको पूछना है बोलिए। आज इतना विभाग किया है जम्बूद्वीप के अंदर दीर्घ वैताग्य का, इन्होंने सब स्वरूप समझाया, जिनको प्रश्न जो पूछना है। मनुष्य के प्रकार है, उनके पास गलतियां है, अलग अलग प्रकार की विशेष गलतियां है, बहुत सारी गलतियां होने की मनुष्य है, मनुष्य है विद्या वाले हाँ मनुष्य एकला विद्याधर देवदूत नगर वाले, हम मनुष्य जाके उनके साथ में मिक्स नहीं हो सकते हैं, सिर्फ विद्याधर ही रहेंगे। बहुत बहुत धर्मलाल बक्षाली धन्यवाद, जिस तरह से विमल भाई ने अपनी तरह से ये सब, हाँ इनका पीपीटी सब रेडी है इस हिसाब